हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ बैक नेक डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक में मैंने ये फैब्रिक ऐड करके और बैक नेक की डिज़ाइन बनाई है, जो कि इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनेगी हमारी। इसको ऐड करके ही ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। तो मैंने बैक की पीस कट कर ली है, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। मेरी 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग की मेजरमेंट है। यहाँ से मैंने शोल्डर 7 इंच लिया है, तो यहाँ 3 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। शोल्डर को मैं 3 इंच रखा है मैंने, और इधर से मैंने 4 इंच इसकी विड्थ ली है, नेक की विड्थ। लेंथ मैंने 10 इंच की ली है। आप डीप और अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और भी बढ़ा सकते हो अगर और ज़्यादा डीप चाहिए आपको तो। और यहाँ से मैं राउंड शेप दे दूँगी। तो इसकी विड्थ हमारी 4 इंच की है, ज़्यादा है हमारी, क्योंकि जब हम डिज़ाइन ऐड करेंगे तो ये कवर अप हो जाएगी हमारी। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ज़्यादा लिया है, 4 इंच लिया है। तो यहाँ से हम कट करके इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे अपना। तो ऐसे ही जैसे मैंने इस फैब्रिक को लाइनिंग को कट किया है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन का हम ऐड करते हुए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन करेंगे तो हमारा ब्रॉडनेस उतना ही हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँ, देखिए इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा दिख रही है आपको। तो ये मैं मेन फैब्रिक पे इसको रख के कट कर लूँगी। तो मेन फैब्रिक में रख के मैंने कट कर लिया है, दोनों पीस हमारे रेडी है। अब इसको हम ज्वाइंट करके पहले इसमें एक स्टिचिंग लगा लेंगे, तो हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों अटैच्ड हो जाएगा एक साथ। जब हम इसमें कुछ भी यूज़ करेंगे, पाइपिंग वगैरह कुछ भी यूज़ करेंगे, तो कुछ भी हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से मैं बैक की प्लेट्स की मेजरमेंट ले रही हूँ, तो 4-4 इंच के डिस्टेंस में मैंने 5-5 इंच की बैक की प्लेट्स की निशान ले लिया है। अब इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने बैक के प्लेट्स भी हमें लगा दूंगी। बैक के प्लेट्स दोनों तरफ की लगाने के बाद फिर हम अपने मेजरमेंट करेंगे। दोनों तरफ की हम पहले प्लेट्स लगा के रेडी कर लेंगे इसको। फिर बैक की पीस देखिए, यहाँ से मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम अपना मेजरमेंट लेंगे। तो पहले इसमें मैं पाइपिंग का लगाऊंगी, यहाँ से चारों तरफ से यहाँ से पाइपिंग लगाऊंगी मैं। तो पाइपिंग लगा के मैंने रेडी कर लिया है, देखिए हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार है। पाइपिंग लगा दिया है मैंने। अब इसके बाद एक कागज़ पे डबल फोल्ड कर लिया है मैंने, और इसको नेक की मैंने मेजरमेंट ले ली है, जो हमारा प्रॉपर नेक का शेप आया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मेजरमेंट ले ली है। थोड़ा थोड़ा आप एक्स्ट्रा साइड से रखते हुए, और इसमें हम अपनी नेक की विड्थ की मेजरमेंट लगा रहे हैं। तो यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है, और यहाँ से देखिए 3 इंच है हमारा, और इधर से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है मैंने। इसकी विड्थ 3 इंच की है, डीपनेस भी 3 इंच की ही हमारी, और यहाँ से मैं 3 इंच के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं एक कर्व शेप लगाऊंगी यहाँ पे, देखिए यहाँ से 1.5 इंच के डिस्टेंस पे। ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि बैक में जब हम पहनेंगे तो ब्लाउज जब खींचेगा तो बहुत ब्रोट हो जाएगा, तो जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे 1.5 इंच की डिस्टेंस ज़्यादा बेटर लगी, इसलिए मैंने 1.5 इंच का ही डिस्टेंस रखा है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। यहाँ से 3 इंच है हमारा, नेक की विड्थ भी और लेंथ भी हमारी 3 इंच की है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, राउंड शेप में ले लिया है मैंने। यहाँ से कर्व लगा दिया है अपना, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लूँगी मैं 1-1 इंच। यहाँ से जो हम फैब्रिक ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। जब हम स्टिचिंग कर लेंगे उसके बाद हम कट करेंगे, लेकिन हमको अब भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे शेप लगा दिया है। अब इसको हम प्रॉपर जैसे जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है वैसे वैसे ही मैं कट कर लूँगी, तो हमारा पूरा प्रॉपर शेप आ जाएगा। इधर से भी जो मैंने कर्व शेप लगाया था उसको भी मैं कट कर लूँगी। अब देखिए दो पीस से भी, सेंटर से भी मैंने कट कर दिया है, दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया है। देखिए ऐसा कुछ शेप आएगा हमारा, अब ब्लाउज़ में ऐसे अटैच्ड होगा हमारा। तो इस अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पे लाइनिंग और मेन फैब्रिक पे भी रख के ऐसे ही दो दो पीस कट कर लूँगी, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से। तो मैंने ऐसे निशान लगा के और मैंने कट कर लिया है। तो मैं ऐसे ही लाइनिंग की पीस और मेन फैब्रिक दोनों ऐसे ही कट करूँगी। 4 पीसेज रहेंगे हमारे, देखिए ये यहाँ से ऐसे फोल्ड होके स्टिच होंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए आप यहाँ से, जब सेंटर से ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा कट किया है और ये मेन फैब्रिक है हमारा। अब दोनों को रख के अब किनारे किनारे से हम स्टिचिंग लगा के और कपड़ा और लाइनिंग दोनों मेन फैब्रिक ज्वाइंट कर लेंगे, तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन करके फिर आपको दिखा रही हूँ कि आगे का प्रोसीजर कैसे करना है हमको। अब उसके बाद हमको यहाँ पे एक पाइपिंग का यूज़ करना है। तो दोनों तरफ मैं पाइपिंग लगाऊंगी, उससे पहले मैं पोटली बटन बना रही हूँ। तो मैंने छोटे छोटे फैब्रिक के टुकड़े कट करके और मेन फैब्रिक में इसको बना रही हूँ फिल करके।
तो मैंने थोड़े बड़े ही पोटली बटन बनाए हैं, क्योंकि मेरा मेन फैब्रिक और जो डिज़ाइन मैंने ऐड किया है दोनों का कलर सिमिलर है, एकदम एकदम एक जैसा हो जाएगा। तो छोटे छोटे नहीं बनाए हैं मैंने, थोड़े बड़े ही बनाए हैं, और इसको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही मैं लगाऊंगी ताकि ये शो हो थोड़ा सा। अगर आपका प्रॉपर एक कंट्रास्ट में हो, लाइट और डीप में हो, तो आप छोटे छोटे और पास पास भी बना सकते हो। तो इसकी मेजरमेंट मैंने 1-1 इंच के डिस्टेंस पे रखी है, तो मैंने 1-1 इंच के डिस्टेंस पे इसमें निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं पूरे में 1-1 इंच पे पहले निशान लगा लूँगी, उसके बाद इसको अटैच करूँगी पोटली बटन को। तो देखिए यहाँ से मैंने निशान लगा लिया है, जहाँ जहाँ निशान है वहीं वहीं पे हमको पोटली बटन को अटैच करना है। तो मैंने इसको डबल फुट से ही लगाया है, अगर आप सिंगल फुट से आप नहीं लगा पाते तो आप सिंगल फुट से लगाइए, तो सिंगल फुट से बहुत ईजिली लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और मैंने लेकिन डबल फुट से लगाया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं लगा पाते हैं, फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप अगर आपसे ना हो तो आप सिंगल फुट से लगा सकते हो यूज़ करके, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका पोटली बटन लग के तैयार हो जाएगा। तो मैंने जहाँ जहाँ पर निशान लगाया है बस वहीं वहीं पर पोटली बटन को रखते हुए अटैच कर लूँगी मैं सारे पोटली बटन को। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा स्लोली मशीन को चलाना है आपको, तो थोड़ा धीरे धीरे आप करोगे तो बहुत इजीली आपको तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे सारे फिक्स हो गए हैं, अब उसके बाद हम इनको पक्का कर लेंगे यहाँ पे। तो मैंने दूसरे वाले पीस को ऐसे फोल्ड करके जैसे फिनिशिंग की सिलाई देते हैं वैसे अटैच किया है, मैंने वैसे नहीं अटैच किया है, मैंने इसको फोल्ड करते हुए ये अटैच किया है, तो बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो गया है। अब इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे हम, और इसके बाद इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाना मैंने बहुत बार दिखाया है फ्रेंड्स, फिर भी मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि पाइपिंग से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप पेस्टिंग पेपर नहीं यूज़ करते हो तो भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, और नहीं तो अगर आपका फैब्रिक पतला हो तो आप पेस्टिंग पेपर का यूज़ कर सकते हो, तो पेस्टिंग पेपर का भी यूज़ करके बना सकते हो। लेकिन मैंने पेस्टिंग पेपर नहीं लगाया है, मैंने फैब्रिक से ही और लाइनिंग के साथ ही इसको बनाया है पाइपिंग के साथ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं दोनों तरफ पहले इसमें अटैच कर लूँगी, नेक पे तीन तरफ हमको पाइपिंग लगानी है, दो तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं नेक पे लगाऊंगी। अब इसको हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने के बाद एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा पाइपिंग लग के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बहुत यूनिक, बहुत इजीली बनने वाला ये डिज़ाइन, और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला ये बैक नेक का डिज़ाइन है, जो कि बहुत अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो बहुत ही सुंदर और इजीली बनाने का तरीका मैंने आपको दिखाया है कि कैसे बना सकते हो आप, इजीली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये डिज़ाइन बनाने में आपको। तो बहुत फिनिशिंग, बस इसको अटैच करने में थोड़ी सी है कि अगर आप प्रॉपर अटैच नहीं करते हो इसको फिनिशिंग के साथ, तो हमारी जब ब्लाउज़ पहनने के बाद लुक अच्छा नहीं आएगा। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इसको अटैच करने में, अब यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे, अटैच करने में आप कोई इसमें बिल्कुल वो मत करिए, और बहुत अच्छे से इसको अटैच करिए। तो अटैच करने के लिए मैंने पिन का यूज़ नहीं किया है, मैं यहाँ पे पहले कच्चा सुई धागे से कर रही हूँ। अगर आप पिन का भी यूज़ कर सकते हो इजिली हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे स्टिचिंग कर लिया है मैंने, अब इसके शोल्डर पे मैं अटैच करूँगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पिन अप करके कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कपड़े पे किया है क्योंकि मेरा एकदम फिक्स हुआ है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अगर आपको लगता है कि आपका एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ नहीं हो रहा है तो आप रिस्क नहीं लो, आप पिन अप करके और उसके बाद करो, तो बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ आपका लुक आएगा इस ब्लाउज़ के डिज़ाइन का। क्योंकि अगर आपका प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ फिनिशिंग के साथ, तो बस लुक नहीं अच्छा आएगा देखने में, चाहे आपका मेन फैब्रिक टाइट हो जाएगा या जो डिज़ाइन बनाया है आपने उसको ढीला हो जाएगा, तो आपकी फिनिशिंग पहनने के बाद अच्छी नहीं आएगी। आप इस चीज़ का ध्यान दिमाग में रखते हुए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसको टेस्ट करिए, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा ये लुक आएगा ब्लाउज का। आप देखिएगा बहुत ही सुंदर, पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा बैक की तरफ से सारे कट करके मैंने निकाल दिए हैं, और एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। अब इसके बाद इस पर हम कमर की पट्टी लगाएंगे। तो ये 1.5 इंच का फैब्रिक का लिया है मैंने, लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, और इसको मैंने यहाँ पे कमर पे अटैच किया है। अब इसके बाद इसके ऊपर मैंने एक फिनिशिंग की सिलाई लगाई है, अब उसके बाद इसको भी फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, तो हमारा कमर के का भी फिनिशिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हमारे ब्लाउज़ का लुक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ का लुक आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो।
बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैक का डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया है इस ब्लाउज़ के डिज़ाइन का। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आए आपको तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।